हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ, वो है काजल, होममेड काजल। बहुत से लोग मार्केट से लाकर काजल अपने बच्चों की आईज में लगाते हैं, बट वो आईज के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल नहीं होता, जितना कि हमारा घर का बना काजल बेनिफिशियल होता है बच्चों की आईज के लिए। ये नहीं कि बच्चे ही, बड़े भी इस काजल को आईज में लगा सकते हैं। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए आपको बताते हैं कि हम घर पर इजीली और सस्ते में कैसे काजल बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, वो भी मिट्टी के दिए में। मिट्टी के दिए में आप ये मस्टर्ड सरसों का तेल लें और इस तरह के कॉटन से ऐसे कुछ बनाकर अपने हाथों पर, हथेलियों पर रब करके इस तरह की बत्ती बनाकर रखें और इस बत्ती को अच्छे से इस मस्टर्ड ऑयल में डिप कर लें। आप देख रहे होंगे मैं अच्छे से डिप कर रही हूँ इसमें। थोड़ी बड़ी बत्ती बनाएं जिससे हमारा काजल जो है वो ज्यादा बने और ये जो ऑयल है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अब करना क्या है, इस तरह के सेम साइज के दो बाउल ले लें और इन्हें एक ही जगह पर रख दें, सेम साइज के हों, और एक इस तरह की प्लेट ले लें और जो कि मस्टर्ड ऑयल और दिया था वो यहां पर रखें सेंटर में, और इन दोनों बाउल्स के ऊपर अब करना क्या है, इस दिए को जला लेंगे। ये दिया जल गया है और जो हमने इस टाइप की प्लेट ली थी वो इस दिए पर ढक देनी है ताकि जो इस दिए की लो है वो इस प्लेट पर आ जाए। आफ्टर 10 मिनट्स हम इस प्लेट को उठा लेंगे। हाँ, आपको ये जो प्लेट है थोड़ा सेफली उठाना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाएगी, तो आप इसे थोड़ा सेफली उठाएं। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं इस प्लेट पर जो है वो काजल बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से किसी इस तरह के पेपर पर निकाल लेंगे जिससे हमें किसी कंटेनर में डालने में इजी रहेगा। और अब आप देख सकते हैं ये मैंने जो काजल बनाया था ये मैंने एक कागज पर निकाल कर रख लिया है। अगर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो काजल लगाना पसंद ना करके सुरमा लगाना पसंद करते हैं, तो वो इसे ऐसे ही डायरेक्ट सुरमेदानी जो किसी भी शॉप से इजीली मिलती है वहां से लेके इसे डायरेक्ट उस सुरमेदानी में डाल सकते हैं और इसे एज ए सुरमा आईज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर काजल बनाना है तो हम इसके अंदर एक कैप्सूल ऐड करेंगे और फिर ये काजल बन जाएगा। अब मैं इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है और ये हमारा जो सुरमा है ये सुरमा बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसे सुरमेदानी में डालेंगे तो आप इसे एज अ सुरमा अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसमें मैं कैप्सूल ऐड करूंगी जिससे ये काजल बन जाएगा। ये हमारी आईज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है और हमें मार्केट से काजल लाने की जरूरत नहीं है। हम इजिली घर पर अच्छा और सस्ते में काजल बना सकते हैं, इसे बड़े भी लगा सकते हैं। आप इस कंटेनर को जब इसमें हम कैप्सूल ऐड कर लेंगे तो इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे हमारी आंखें जो आईज को ठंडक मिलेगी। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी आईज, बहुत से बच्चों की आईज बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो अगर हम इन्हें ये डेली इस काजल को बनाकर न्यूबॉर्न बेबी की आईज में लगाते हैं तो उनकी आईज चमकदार और थोड़ी बड़ी भी दिखाई देंगी। तो ये जो काजल है ये बनकर बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आईज बहुत चमकदार दिखाई देंगी। ये जो हमने पाउडर फॉर्म में बनाकर रेडी किया हुआ था अब हम इसमें इस टाइप के ये कैप्सूल ऐड करेंगे जो हमें किसी भी केमिस्ट शॉप से इजीली मिल जाते हैं। ये आई ऑइंटमेंट है जो
हमारी आईज़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइक स्वेलिंग है, रेडनेस है या इचिंग होती है, ये उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है और ये हमारी आईज़ के लिए बहुत अच्छा है। हम नॉर्मली जब आईज़ चिपचिपी हो जाती हैं, बहुत सा ऐसा होती हैं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम कि आईज़ सुबह उठकर चिपचिपी दिखती हैं, तो उस टाइम भी हम इन कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं, आईज़ में डालते हैं। तो इसी कैप्सूल को मैं, ये जो पाउडर मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैं ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें ये कैप्सूल ऐड कर लिया है और ये जो काजल है ये बनकर रेडी हो गया है। ये बना थोड़ी ही क्वांटिटी में है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं आपको भी दिखाती हूँ ये कैसा बना। ये देखिए, मैंने अपने यहाँ हाथ पर लगा कर दिखाया है आपको। जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम एज अ काजल जैसा है और ये बिल्कुल जेड ब्लैक जैसा बना है। ये हमारी आईज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारी आईज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देंगी। और ये नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये। बट मैंने ये बनाया इसे थोड़ी ही क्वांटिटी में है, जो आपको अभी इस कंटेनर में बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट ये बहुत अच्छा बना है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सभी इसे एक बार यूज़ करें, बहुत अच्छा है। तो सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।